भाई सुबह के बज रहे हैं 4, ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। अभी भी दांत ऐसे कपकपा रहे हैं और काफ़ी संगत निकल गई है ऊपर दर्शन के लिए। यहाँ से जो हेमकुंड साहब है वो है करीबन 6 किलोमीटर, जिसमें से 4 या 3 किलोमीटर का रास्ता पूरा ग्लेशियर से होके है, बर्फ़ ही बर्फ़ है और ठंड इतनी ज़्यादा, मैं क्या बताऊँ। तो चलो हम भी रेडी होते हैं, कोशिश करते हैं हम भी 5 बजे तक निकल जाएंगे। ज़्यादा ठंड है, चाय पी के थोड़ी राहत मिली है। तो भाई साहब ठंड हो या ना हो इनको देख के जरूर लग रही है। बाहर से मफलर ले आए किराए पे, ग्लव्स ले आए हैं, पैसे दे के लाए हो। और तो किराए पे ही लाए हो, उसको जैकेट दिला दी भालू वाली, कितने की? 100 रुपए किराया। 100 रुपए किराया, टोपी ग्लव्स भी दिला दी है। ये इनर लेके आया 4, टोपी दिला दी। तो अपा निकल गए हैं गुरुद्वारे से दर्शन ले। तो आज अपना डायलॉग नहीं बोलेंगे, आज बोलेंगे सिर्फ वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तो कोशिश करांगे तो बाबा जी भी चाहेंगे तो दर्शन वधिया हो जाए, बिकॉज कल बथेरी बर्फ पई है, उधर 2.5 घंटे लगातार बर्फ पई है। आज एहोजा हाल ना हो, अगर होएगा तो बाबा जी रखा करेंगे। तो चलिए वीरे, ठंड बथेरी है, बोलिया भी नहीं जा रहा, बोलते भी साथ चढ़ रहा है बेटा। ठंड पूरी 100%। चलो आ जाओ। तो भाई साहिल और अशोक ने कदम खा लिया, आज के बाद ट्रैकिंग क्या पहाड़ों की तरफ देखेंगे भी नहीं। जहाँ चढ़ाई होगी ना पैदल चढ़ना होगा, वहाँ नहीं आएंगे वो। मैंने बोला खच्चर ले लो, खच्चर पे बैठ के चले जाओ। कह रहे यार तू वीडियो बना देगा, तू बेइज्जती कर देगा कि देखो बुड्ढे हो गए हैं। मैंने नहीं भाई ऐसा नहीं करूँगा। ये हाल है भाजी, और सब वधिया। अपने बड़े फैमिली के मेम्बर मिल रहे हैं इधर। तो वो देखो ध्यान से, वो बैठा साहिल बेचारे को इतनी सांस चढ़ी हुई है, ये हाय कर रहा है। और सामने सामने बिल्कुल सामने बैठे अशोक जी, कह रहे लेटे हुए नीचे। ये देखो कितनी दूर है, कितनी दूर है, कितनी दूर है हमसे। ओ आ जाओ, तो यहाँ पे जितने भी ये घोड़े हैं ना, जिनको घोड़ा बोला जा रहा है, घोड़े हैं नहीं खच्चर है, किसी से पूछ लो भाई क्या है, भाई घोड़े हैं। हाइट इनकी घोड़े जैसी है लेकिन शक्ल से देख लोगे ना तो गधे खच्चर ही लगेंगे। तू क्या है, मॉडिफिकेशन करा हुआ है मुंह खोते का है, पिछला जैसे इनका घोड़े का, जैसे हम बाइक को मॉडिफिकेशन करते हैं, इन्होंने इसका मॉडिफिकेशन करा हुआ। पीछे वाला पार्ट देखोगे सारा ऊंचा लंबा लगा घोड़ा भाई, तब आगे शक्ल देखोगे ना, शक्ल बताना कैसी है, बिल्कुल छोटा या मुंह। और चढ़ाई नीचे थोड़ी इजी है, यहाँ आके थोड़ी डिफिकल्ट हो गई। आगे जो 3 किलोमीटर का एरिया जहाँ बर्फ ही बर्फ है, वो तो भाई आतंक। चलो चलिए फिर साथ में, मजा और आएगा, मजा आएगा। मेरा ऐसा सोचना है कि जो असली यात्रा का मजा है ना,
वो पैदल में ही है। सही बात है ना? हाँ नहीं 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 ठीक है ठीक है, बैठे रहो, ऐसा मेरा मानना सबका नहीं है। बिल्कुल सही कह रहा हूँ। हाँ देखो काफी बंदे कह रहे हैं मैं सही कह रहा हूँ, सांस चढ़ रही है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जो मजा है पैदल में ही है। चले भाई ब्रेक ले दो, वो चल दो, चल दो, चले लेट्स गो। वो तो आप लोग ऊपर आओगे आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हेयर। बस दिक्कत यह है थोड़ा कॉस्टली है, चाय मैगी दूध वूध सब कुछ मिलेगा एवरीथिंग, और बीच बीच में काफ़ी जगह स्टॉल्स हैं, ऐसा नहीं है एक ही जगह, काफ़ी जगह है। तो इंसान से ज़्यादा आपको यहाँ पर खच्चर जाते हुए दिखेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है अभी अशोक बाजी भी किसी खच्चर में बैठे हुए दिखेंगे, क्योंकि उनके बस का नहीं है यहाँ आना। क्या कहते हो भाजी? बिल्कुल बिल्कुल सही गल है। तो खच्चर देखते रहना कहीं अशोक भाजी नजर आए। तो भाइयों जैसे कि मैंने आपको बताया था ये दोनों खच्चर पे ही आ रहे होंगे, और ये देखो ये देखो ये देखो इनके बस का नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। ये देखो ये इंसान तो बुड्ढा था ही था और इसको ही बुड्ढा बना दिया। 100 मीटर पहले ही लिया। अबे ऐसा तो बोलता ही हर कोई बोलता है 100 मीटर पहले ही लिया है। ये देखो भाई साहब दो बुड्ढे जा रहे हैं हमारे आगे, भाई बुड्ढे। साँ चढ़ गई है तो आपको मिलवाता हूँ अपने छोटे भाई से। हाँ भाई क्या हाल है, कितनी उम्र है तेरी? 11। ते तू खच्चर से क्यों नहीं बह के जा रहा? डर लगता है, पैदल चला जाएगा आराम नाल। तो भाई 11 साल का बच्चा पूरा ऑफर सी मुंडे नु खच्चर ते जाण दा कहंदा, जाना ते पैदल। नहीं 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 यार ऐसी साडी मोटिवेशन है, एहो जे बंदे मिलदे ने ते साडे असी भी मोटिवेट होंदे आ, इन्हां नु वेख के कुछ सीखो। तो भाई अब लग गई है भूख, तो सोचा थोड़े पराठे वराठे खा लिए जाए गर्मा गर्म, क्योंकि जब भूख लगेगी तो पेट में कुछ ना कुछ होना चाहिए, पेट में कुछ नहीं होगा तो चढ़ाई कैसे चढ़ेंगे। तो थोड़े बहुत पराठे खाते हैं और गर्म गर्म चाय पीते हैं और उसके बाद निकलते हैं आगे को। तो अगे पाजी देखो मेरे वीर इधर भी ड्यूटी निभा रहे ने। मैं सबनों यही कहना आदमियों की सारी जिंदगी ड्यूटी निभाते निकल जाती है, अपनी मिसिज का पर्स लैके चल रहे हैं। तो किदा लग रहा तुहानू, कुछ कहना चाहोगे? बहुत अच्छा लग रहा है। हाय सो फाइनली ग्लेशियर तक पहुँच गए हैं, बहुत मेहनत लगी है, सांसें चढ़ गई हैं। क्यों भाजी हवा टाइट? हाँ भाई हवा टाइट, फुल हवा टाइट है। लेकिन आपको एक बात बता दूं, ऊपर तगड़ा जाम लगा हुआ, बिकॉज बहुत छोटी रोड है, लगा लो मेरे हाथ जितनी, मतलब बहुत ज़्यादा छोटी स्पेस है जाने की, और वहीं से बंदे जा भी रहे हैं आ भी रहे हैं, तो जाम लगा हुआ आधे से ज़्यादा बंदे, कम से कम मैंने 400-500 बंदे देखे हैं जो नीचे वापसी निकल गए कि भाई दर्शन नहीं हो पाएंगे, ऊपर से आके नीचे तक वापसी आ गए हैं। तो यहाँ तक एक बार ट्राई मार लेते हैं, देखते हैं क्या पता बाबा जी ने बुलाया हो हमें यहाँ तक कि आओ दर्शन हो जाएंगे। चलो चलते हैं, चले भाजी बिल्कुल बिल्कुल लेट्स गो। देख रहे पाजी जलजीरा बन रहा है स्पेशल, पावर आ जाएगी पूरी पूरी, उठता हुआ जाएगा पूरा जोश आएगा। ओ बल्ले बाजा वाले ने दर्शन देने आज आपने आए, तो कितने बंदे तुसी घट तो घट देखे? मैं 400 बंदा देख लिया जेड़ा वापसी गया, बंदे पासी काफी वापस गए हैं, सारे हिम्मत छोड़ दे, पर असि लोकां नु कह रहे हिम्मत ना छोड़ो, जाओ इतनी दूर दर्शन करने लिए आए, जे तुसी वापस मुड़ के चले जाओगे तो कल नु पछताओगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं घटो घट 400-500 बंदा देखे जेड़ा वापसी गया। तो यहाँ हमारे गुमे हुए साथी मिल गए हैं। हाँ भाई कितनी देर हो गई इधर बैठे हुए? भाई यहाँ हो गए 2 घंटे बैठे और लेटे। कितने बंदे वापसी गए हैं? मोर देन 80% लोग जो है वापस चले गए, कई तो एक बंदा मेरे को मिला अभी सिर्फ आधा किलोमीटर रह गया था। हाँ। और वो वहाँ से वो वापस आ गया, कोई जो है वो 700 मीटर से वापस आ रहा है, कोई 1 किलोमीटर से, तो बहुत सारे लोग वापस ऐसे आए हैं जो जा सकते थे, जस्ट बर्फ इतनी है, फिसलन बहुत ज्यादा है, उसके वजह से लोग जो है वो थोड़ा सा घबरा गए हैं और कई लोग वापस चले गए। बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। बोले सोनिया।
हाँ जी जी जट पर अब जो हो ठीक हो होंगे ना दर्शन ओ बहुत वधिया वीरे होर अंकल जी ठीक हो किन्नी उम्र है तुहाडी मेरी 65 साल ओ वाहेगुरु देखो किवें रस्ता बनाया जाता और बर्फ इन्नी हार्ड हुई पई है चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है और वीरे ठीक हो कितनी मेहनत लगी इतने आने दसवा साल है दर्शन होने ना पक्का बस यही विश्वास चाहिए यही विश्वास चाहिए तो रास्ता एक ही है सिर्फ एक बंदे के निकलने का रास्ता है ऊपर से बंदों ने आना भी है जो दर्शन करके आ गए हैं और बंदों ने जाना भी है जिन्होंने दर्शन करने हैं वाहेगुरु 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 तो ये जितनी बर्फ देख रहे हो ये कल ही पड़ी है नहीं तो बहुत बढ़िया रास्ता बना हुआ था कल तक यहाँ से कल इतनी ज्यादा बर्फ पड़ी है करीबन 3000 बंदा यहाँ फंस गया था और जितने बंदे देखोगे सबने जूते के ऊपर जुराबे पहनी हुई है पाजी मदद हो रही है इससे बिल्कुल जी मदद हो रही है सच्ची कोई प्रॉब्लम नहीं इससे 100% बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया तो एक पॉइंट आता है जहाँ से दो रास्ते कट जाते हैं एक सीढ़ियां और दूसरा प्लेन रास्ता है पौड़ियां ना चाहिए कि प्लेन देखो ये पौड़ियां भी वधिया है वो भी वधिया है जिधर तो उन्हें सूट करे तो मैं उधर फिसलन ज्यादा है प्लेन रास्ते तो ना इधर फिसलन घट है तो अपन चलेंगे पौड़ियां तो ही चलो आ जाओ तो यह मेरी हाइट जितनी बर्फ है जितनी मेरी हाइट है ना उन्नी उच्ची बर्फ पई हुई है मतलब मैं अगर ए पार देखना चाह देख नहीं सकता की है वाहेगुरु जी थोड़ी एज कितनी है मेरी है जी 64 64 तो तुसी ये सीढ़ियां कदों चढ़ी थी लास्ट पहली बार सब तो पहली बार 78 च वाहेगुरु 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 तो देख लो किदा दे बंदे मिलदे ने हो गए दर्शन वाहेगुरु जी हां जी खालसा बहुत वधिया ओ वाहेगुरु जी खालसा वाहेगुरु जी दी फतेह ਹੋਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੌਸਲਾ ਪੂਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੌਸਲੇ ਵਧੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਰ ਲਓ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੇ पहली झलक है जो दिखी है अभी आगे जाके पूरे दर्शन करवाता हूँ हेमकुंड साहब का सरोवर है जी पूरा जमया पिया और इन्ना ठंडा पानी है तभी लोग स्नान कर रहे ने ਭਾਜੀ ਹੁਣੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਠੰਡਾ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਫਿਰ ਕਰੋ ਆਜੋ ਭਾਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣੇ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਐ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲਾਸਟ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਤੇ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਲਾਸਟ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ 12 ਜੀ ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਅਰਦਾਸ ਸੀ ਹੁਣ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਲੰਗਰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪਾਂਗੇ ਇਧਰੋਂ ਚੱਲ ਚੱਲ ਆਵਾਜ਼
ਸਰੀਰ ਸੁਣੋਗੇ ਤੋਲਿਆ ਖਰਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਮੁੜ ਗਈਆਂ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ भाई काफ़ी देर से एक सीन चल रहा है जब मैं ऊपर पहुंचा था वो चारों लोग नीचे थे चारों कौन से चारों अपने भाई और मेरे को नहीं मिले उसके बाद वो तो अभी रास्ते में मेरे को एक बंदा मिला मैं चढ़ाई वापसी उतर रहा हूँ रास्ते में एक बंदा मिला उसने कहा कि मैंने उसको स्नान करते हुए देखा सबको अब मुझे नहीं पता वो नीचे हैं ऊपर हैं कहाँ है कोई आइडिया नहीं है गोविंद धाम मिलेंगे गोविंद घाट मिलेंगे कोई आइडिया नहीं है मिलेंगे भी नहीं मिलेंगे बिकॉज जो हमारा रूम है वो तो काफ़ी नीचे है वहाँ तक इतनी हिम्मत नहीं है उनकी भी और मेरी भी कि वहाँ तक जाएँ तो देखो मुझे कौन मिला ओए सबसे पहले आया पक्की बात है बाकी सारे कहाँ हैं आजा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा तो देखो 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 हमारे पास कौन है तेरे को थोड़ी दिखा रहा हूँ यहाँ पर आइए तो भाई बीमार आदमी पहुँच गया यहाँ तक ये ट्रैकिंग बहुत मुश्किल भी नहीं थी बहुत आसान भी नहीं थी आओगे टेंशन ना लेना मजे लेते हुए जाना मजे लेते हुए आना कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ आप डर जाओ हाँ थोड़ी बहुत दिक्कत होती है जहाँ दिक्कत होती है वहाँ खच्चर कर लेना क्यों भाई एक खच्चर पे गया था बता देता ऊपर जाते टाइम ऊपर जाते टाइम कट्टा करने का लगा चलो ठीक है होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी डायलॉग मारना है हाँ तो भाई ऊपर क्या थी ऊपर थी ठंड पूरी पूरी 100% तो ठीक है इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड ये डायलॉग है भाई भाई का मन कर रहा था मारने का मार दिया तो ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी लगी तो लाइक ठोक देना आज बहुत मेहनत लगी टांगों में अभी तक पेन हो रहा है और ना अच्छी लगी हो तो ये भी है डिम्पी अभी गायब है डिम्पी गया हुआ मेरे ख्याल से टॉयलेट टॉयलेट गया हुआ तो ठीक है भाई लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना बढ़िया से कमेंट कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय टेक केयर हैव अ नाइस डे बाय बाय